हेलो मेरी सुंदरियों, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलिया भट्ट का बहुत ही फेमस मेकअप लुक फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई है, रिक्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही सटल और गॉर्जियस मेकअप लुक है। आलिया भट्ट ने इसमें सिर्फ एक साड़ी पहनी है, ब्लाउज पहना है, थोड़े से एक इयररिंग्स पहने हैं, बिंदी लगाई है और बहुत ही सटल मेकअप लुक किया है। तो सबसे पहले हम स्किन केयर कर लेते हैं। सबसे पहले रोज वाटर लगाएंगे, इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहती है। फिर हम मिनिमलिस्ट का विटामिन सी सीरम लगाएंगे, ये मेरा फेवरेट है। और हम डे में मेकअप कर रहे हैं तो स्किन केयर भी कर रहे हैं, और इससे क्या होगा, आपका स्किन बहुत ही ग्लास जैसी चमकेगी, जैसे ये चमक रही है। अब हम लगाएंगे मेरा फेवरेट सिंपल का मॉइस्चराइजर, जो कि सेंसिटिव स्किन और एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। पूरे फेस और नेक पर मैं लगा लूँगी। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ता और बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद मैं अपने लिप्स मॉइस्चराइज करूंगी। ये मैं लगा रही हूँ रेने का ब्लैक मैजिक लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा है ये। अब हम कोशिश करेंगे कि सेम मेकअप कर सकें बिल्कुल आलिया भट्ट जैसा। तो सबसे पहले मैं कलर बार का प्राइमर लगाऊंगी, इससे आपके सारे पोर्स ब्लर आउट होंगे और फाउंडेशन को एक अच्छा स्मूथ बेस मिलेगा। अब मैं कंसीलर लगाऊंगी, जो कि स्विस ब्यूटी का है। फिर इसे डैप डैप कर लूंगी एक स्पॉन्ज की मदद से, जो कि पहले से ही एक्सेस वाटर मैंने निकाल दिया था वाटर में डाल के। उसके बाद मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लगा रही हूँ, और फिर उसी सेम स्पॉन्ज से मैं अपने पूरे फेस और नेक पे जो मैंने डॉट डॉट करके अपने फाउंडेशन को लगाया था, उसको पूरा डैप डैप करके मैं फाउंडेशन को ब्लेंड आउट कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है हमें, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। अब मैं फिट मी का फेस पाउडर लूँगी और इसे ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे लगा लूँगी, इससे आपका जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज फिल इन करूँगी। ये मैं शिम्बोर की आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर में लगा रही हूँ। अब स्पूली से इसे इवन आउट करूँगी, फिर थोड़ा मस्कारा भी लगा लूँगी जिससे ठीक रहेगा। अब हम आई मेकअप पे आते हैं। सबसे पहले मैं काजल लूँगी, उसे लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, ऊपर लाइनर एज अ लाइनर मैं काजल को ही यूज़ करूँगी। देखो, मैं काजल को ही यूज़ कर रही हूँ और उसे अच्छे से लगा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, उन्होंने लाइनर नहीं लगा रखा है, अब मैं क्या करूँगी कि इस काजल को जो मैंने अपने ऊपर वाले सेक्शन में लगाया है, उसको अपनी ब्रश और अपनी उंगली की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मज करूँगी, जिससे कि एक स्मोक इफेक्ट आएगा। ये बहुत ही ईजी टेक्निक है गाइज, बहुत ज़्यादा ईजी टेक्निक। इससे ज़्यादा इजी टेक्निक शायद कोई बताएगा नहीं आपको। जस्ट आप एक काजल लगाइए और उसको फिर ऐसे ब्लेंड कर लीजिए अपने अपनी फिंगर की हेल्प से, ऐसे अंदर की तरफ आपको पुश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश से इसे ब्लेंड आउट कर लीजिए अच्छे से। देखिए, अभी स्मोकी इफेक्ट आया। अब हम क्या करेंगे, एक स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट लेंगे और सेम ब्रश से एक लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन शेड लेंगे और मीडियम ब्राउन, और उसको ऐसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर देंगे विद दैट ब्लैक काजल। ठीक है, तो ये एक मतलब एक आई शेडो बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, उससे थोड़ा सा डार्क या सेम आप सेम कलर भी ले सकते हैं जो आपने ऊपर लगाया, पर मैंने इधर डार्क लिया है, और नीचे लोअर वाटर लाइन पे जहां मैंने काजल लगाया था उधर उसी ब्रश की हेल्प से लगा देंगे। अब हम मस्कारा लगा लेंगे, एंड मस्कारा ऊपर लैशेस पे भी लगाएंगे, नीचे वाले लैशेस पे भी लगाएंगे। अब हम ब्लश लगाएंगे, ब्लश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे ब्लश लगाते हैं ऊपर की तरफ, इसे पुश मतलब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, नोज पे भी लगाएंगे, चिन पे भी लगाएंगे। अब हम हाइलाइटर लगाएंगे नोज पे, हाई पॉइंट्स पे लगाएंगे, नोज पे, चीक्स पे और चिन पे, लिप्स के ऊपर और आइस के ऊपर, और आप अपने फोरहेड पे भी लगा सकते हैं, और अगर आपका डीप नेक है तो आप अपने कॉलर बोन्स पे भी लगा सकते हैं। अब हम सेटिंग स्प्रे से इसे सेट कर देंगे। उसके बाद लिप लाइनर तो नहीं है, तो मैं कलर बार की ये पिंक वाली लिपस्टिक लगाऊंगी और बीच में न्यूड लिपस्टिक लगा के इसे ब्लेंड कर लूंगी। ये बिल्कुल सेम आलिया भट्ट जैसी लिपस्टिक बन जाएगी। मेकअप इज डन। अब हम ब्लाउज चेंज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम इयररिंग्स तो नहीं है, बट मेरे पास जो इयररिंग्स है ऑक्सीडाइज वो मैं पहन लूंगी। उसके बाद ये देखो, मैं इसमें इयररिंग्स ही यूज़ करी क्योंकि आलिया भट्ट ने भी इयररिंग्स ही पहना है। अब मैं एक ब्लैक बिंदी लूंगी और ब्लैक बिंदी लगा लूंगी लाइक आलिया भट्ट। अब मैं अपने बालों को लगा के सवार के उसके बाद साड़ी पहन लूंगी, एंड दिस इज द लुक। ये बहुत ही इजी सटल गॉर्जियस मेकअप लुक है। ये आप किसी भी आउटफिट के साथ आराम से कैरी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लुक है। ये देखिए, मेरे आई मेकअप ऐसा आया है निकल के, बहुत ही सुंदर मेकअप लुक आया निकल के। अब आई डोंट नो सेम है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया या नहीं आया।
दिस इज द मेकअप लुक। So guys, thank you so much for watching. Keep watching and keep supporting. And please subscribe कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. Bye bye, take care.